उधर बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सुखविंदर मांढी ने चुनाव प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर लोगों से वोट की अपील की। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी सुखविंदर मांढी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि 5 सालों में बीजेपी ने सभी वर्गों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जिसके परिणाम स्वरूप एक बार फिर बाढ़ा में सब कुछ भाजपामय हो गया है। हरियाणा की सरकार में बाढ़ा की मजबूती से भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों पर विपक्ष नाम की चीज नहीं बची है। ये 5 साल से लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक वर्ग के सम्मान के लिए काम किया है, उसको देखते हुए आज हरियाणा प्रदेश में और खासकर बाड़ा विधानसभा में पूरी तरह माहौल भाजपा में ही है। और हम भी पिछले लगभग 15 दिनों से लगातार गांव गांव गली गली घर घर जाकर व्यक्तिगत जो संपर्क करने का अभियान है वो हमारा जारी है। और पूरी तरह से हमने ये तय किया है कि इस बार हिस्सेदारी बाड़ा की और मजबूती के साथ हरियाणा की सरकार जो बनने जा रही है उसमें करें, ताकि आने वाले समय में हम विकास का जो एक पहिया है जो चलाने का हमने काम किया उसको और तेजी से आगे चलाने का हम काम करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक बार फिर कमल के निशान को ही वोट दें और प्रदेश में फिर बीजेपी की सरकार बनाए। 24 अक्टूबर को चुनाव के परिणाम बीजेपी के पक्ष में आएंगे। अब देखना ये होगा कि 24 अक्टूबर को जनता सुखविंदर मांढी पर कितना विश्वास जताती है। बाड़रा से खबरें अभी तक के लिए राजेश सिंह की रिपोर्ट।